कोरोना से बचने का तरीका है आदमी दुआ करे, अल्लाह से प्रार्थना करे, हिंदू लोग भी प्रार्थना करे, मुसलमान भी प्रार्थना करे। ₹50 किलो चीनी बिक रहा है, ₹50 किलो चीनी बिक रहा है, आलू ₹50 किलो हो गया भैया, लूट में जो रोज कमाने खाने वाला है वो कैसे खाएगा, वो तो मर जाएगा। इंतजाम कीजिए, पीने पानी का इंतजाम कीजिए। आपने खुद कॉल किया, कॉल नहीं उठा रहा, आप बोलिए। आप खुद नहीं गए? अरे सर, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। नहीं नहीं बोल रहा हूँ मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ उसके बारे में बोल रहा हूँ। कोई ये सब ये गलत है भाई, इतना पब्लिक नहीं सह सकेगा 21 दिन तक। अरे जो है कई चाहते हैं कोई बचे, नहीं नहीं कई चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों का लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन के बाद पटना की जनता सड़कों पर दिखाई दी। हमारे संवाददाता तनवीर आनम ने इस रिपोर्ट को कवर किया, लोगों से बातचीत की कि लोग आखिरकार क्यों सड़कों पर उतरे इस लॉकडाउन के बाद, क्या कहना चाहते हैं और कुछ ही घंटों बाद ऐसी तस्वीर क्यों। आए दिखाते हैं अपनी इस विशेष रिपोर्ट में। 21 दिनों का लॉकडाउन है और उसके बाद से सब्जी बाग का ये नजारा है। आप सब्जी बाग को देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में जो है वो पैनिक की स्थिति बन गई है। 21 दिनों का लॉकडाउन है, तमाम दुकानें जो है वो बंद रहेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि लक्ष्मण रेखा मान लीजिए घर को, घर की दहलीज को जो है वो पार नहीं करना है। क्या आम जनता उनकी बातों का समर्थन करती या फिर नहीं करती, सीधे जुड़ रहे 21 दिनों तक लक्ष्मण रेखा मानना है घर को। देखिए 21 दिन का जो मामला है, जो बहुत से बड़े लोग जो हैं वो लोग तो अपना अपना देख रहे हैं कि भाई 21 दिन तक देखना है। जो गरीब हैं, जो ठेला चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, वो लोग 21 दिन तक कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे और कैसे लोग रहेंगे। सरकार पहल कर रही है इन चीज़ों पे, लेकिन एहतियात बरतना है क्योंकि कोरोना से जंग यही है। देखिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं उनकी बात को, मगर सरकार को ये भी चाहिए था जो गरीब स्तर के जो लोग हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सोचना चाहिए था, आप क्या सोच रहे हैं? गरीबों को सोचना चाहिए था, इन्होंने बताया, आप कैसे देख रहे हैं? गरीबों के लिए सोचना चाहिए, कालाबाजारी रुकना चाहिए, बहुत महंगा महंगा सामान लोग ने बेच। कालाबाजारी को लेकर के तो आप डायरेक्ट फोन कीजिए पुलिस वाले को, यहाँ से 100 नंबर डायल कीजिए। करेंगे, जब देखेंगे तो करेंगे। तो 21 दिन तक घर में रहना है? हाँ, दम घर में रहना है। हाँ, दम साथ है, दम लेंगे यहाँ पर की। हाँ, दम साथ रहेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर शपथ लेता हूँ कि रहूंगा घर में 21 दिन तक घर में रहूंगा। दहलीज को नहीं पार करेंगे, घर की दहलीज पे भाई साहब पार नहीं करेंगे, उन्होंने शपथ ले ली है। आप कैसे देख रहे हैं? हम भी मतलब कि वही देख रहे हैं जो हम लोग शपथ ले रहे हैं कि मतलब कि हमको घर की दहलीज पार नहीं करनी है, मगर सरकार को इस पर थोड़ा खास ध्यान देना चाहिए। ये जो कालाबाजारी चल रही है, इन्होंने स्टॉक करके जो महंगा में जो बेच रहे हैं। बिहार सरकार ने कह दिया है कि जो जनता है, जो लोग है, वो फोन करे आपके पास में, फिर बोर थाना है, क्यों नहीं कम्प्लेन कर रहे हैं? ये कम्प्लेन वहाँ जा चुकी है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुबह से कई कम्प्लेन हो चुकी है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर बिहार सरकार को खास ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए इन बातों को। सर ये बताइए, लॉकडाउन 21 तक घर की दहलीज को पार नहीं करना है, साथ हैं प्रधानमंत्री? कोरोना से बचने का तरीका है आदमी दुआ करे, अल्लाह से प्रार्थना करे, हिंदू लोग भी प्रार्थना करे, मुसलमान भी प्रार्थना करे। घर में रह के करेंगे ना? हाँ, घर में भी रह के करे, बाहर में भी करे, हर जगह प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, तब जाके हल होगा। 21 दिन तक शपथ ले रहे हैं? 21 दिन तक शपथ तो ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो बोल दिए हैं, लेकिन उसके लिए सुविधा भी तो देना चाहिए ना। सिर्फ बोल दिए हैं कि घर में पैक हो जाए, थोड़ी होता है। सर मान के चलिए, हमारे सबके पीएम है, ऑल ओवर पूरे हिंदुस्तान के वो पीएम है। अगर उन्होंने अनाउंस किया है कि 21 डेज पूरा लोग घर में सेफ रहें, ठीक है, सेफ तो ऑलरेडी है ही है, पहले ही से उसको फॉलो कर रहा है। अभी इन्होंने ऐसा अनाउंस कर दिया है रात 8 बजे, तो इसीलिए लोग पब्लिक आए हुए रोड पे, हमें कुछ सामान जरूरत, राहत का भी तो सामान कुछ आना चाहिए। जैसे जैसे सुनिए, जैसे जैसे कि अदर स्टेट के लोग, अदर स्टेट के जो पीएम है वहाँ के, पूरा मतलब पब्लिक के लिए सोच रहे हैं, वो माइंड
कर रहे हैं, मतलब पब्लिक में मुख्यमंत्री ने भी गरीबों को लेकर के पेंशन दिया है, तमाम चीजें दे रहे हैं, कहाँ कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ डायलॉग, सिर्फ पचास रुपए किलो चीनी बिक रहा है, पचास रुपए किलो चीनी बिक रहा है, आलू पचास रुपए किलो हो गया भैया, लूट में जो रोज कमाने खाने वाला है वो कैसे खाएगा, वो तो मर जाएगा। इंतजाम कीजिए, पीने पानी का इंतजाम कीजिए, आप बंद कर करके जितनी घड़ी आपको चाइना में जब वायरस चीजों पे चर्चा होगी, इन चीजों पे सरकार जरूर सोचेगी, सोच रही है सरकार, सोच रही है। फकीर तो जी लेगा, बीज वाला मर गया भैया, बीज वाला शाहीन बाग और छोड़िए बस कर, ये देखिए यूरोप कल्चर लाइए। बात ये बताइए, 21 दिनों तक घर में रहना है क्योंकि कोरोना से जीतना है, घर में नहीं रहेंगे, नहीं नो सोल्यूशन नहीं है ये सोल्यूशन। हमारी आबादी रहेंगे तो 30 लाख करोड़ की है, हमारे पास किट 10,000 है, हम सैनिटाइज करते पहले मोहल्ला गली को सैनिटाइज करेंगे। आप बेसिकली खाने का इंतजाम कीजिए, पीने के पानी का इंतजाम कीजिए, तब प्रधानमंत्री जी का बात को हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ गरीब का भी प्रधानमंत्री को चाहिए कि मध्यम वर्ग के जो लोग मर रहे हैं उन पे भी प्रधानमंत्री जी ध्यान दें। कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? बोलिए मैडम, लगातार बोल रहे हैं भैया, लगातार बोल रहे हैं। एक एक शॉप बंद है, इधर इधर रुकिए एक मिनट, रूटीन फॉलो कर रहे हैं। एक बताइए सर कि 21 दिनों तक प्रधानमंत्री ने कहा है घर को लक्ष्मण रेखा मानना है, ये बहुत गलत है। पब्लिक इसमें जो 21 दिन तक हो जाएगा बहुत परेशान, पब्लिक रहेगी तभी तो बहुत, हाँ पब्लिक, पब्लिक को रहने के लिए इंतजाम किया गया, कोई इंतजाम नहीं किया गया, बोला कोई, ये सब ये गलत है भाई, इतना पब्लिक नहीं सह सकेगा 21 दिन तक जो है कई चाहते हैं कोई बचे, नहीं कई चाहते हैं मगर क्या चाहते हैं क्या बचे, नहीं एक तो आप लोगों के लिए तो इंतजाम किया जा रहा है, इंतजाम किया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, एक बैग हो रहा है कि एक तीन हफ्ता ला बंद हो गया, कर्फ्यू लग रहा है, कभी हो रहा कि एक दिन पाँच आठ दिन लग, सबको बचाने के लिए किया जा रहा है, सब बचाने के लिए तो किया जा रहा है, तो सारी चीज का इंतजाम किया जाएगा, गरीबों गरीब के लिए भी अमीर के लिए भी सारी। एक मिनट, देश हित की बात है, आप लोग कह रहे हैं गरीबों को मारने के लिए इंतजाम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को ये मानना होगा कि 21 दिन तक घर में घर गलत सोच रहे हैं और गलत आप कह रहे हैं, आप गरीबों को सुनिए गरीब को लिए इंतजाम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, आप क्यों नहीं मान रहे कि जब तक जनता घर के अंदर नहीं रहेगी तब तक कुछ इंतजाम। सर देखिए एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं गरीबों के लिए, गरीब के लिए नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए हो रहा है ना, आप तो मान रहे इस चीज को, तो अगर चे वो पूरे हिंदुस्तान के लिए सोच रहे हैं तो वो भी सोचे ना कि वो जैसे पूरा शटडाउन है, कहीं से कोई सामान आ नहीं रहा है ना जा रहा है, तो लोगों के लिए सुविधा के लिए उसका राशन पानी तो करना चाहिए ना, तो खोला गया सर, नहीं रहा खोला तो गया है, मेडिकल स्टोर खुले हैं, फिर जो राशन के दुकान है वो खुले हुए हैं, और जो गरीब तबके के लोग उनके राशन कार्ड है उनको फ्री में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, आप सिर्फ बोल रहे हैं, पहले आप जाए तो वहाँ, आप कहाँ जा रहे हैं, आपने तो आप सिर्फ मैक पकड़ लिए, जहाँ है वहाँ जा नहीं रहे, ऐसे थोड़ी होता है, लेकर के चलिए कहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर, आप गए थे यहाँ वार्ड काउंसिलर से बात गए, कुछ बोले खुद रहा है, कॉल किया कॉल नहीं उठा रहा, आप बोलिए आप खुद नहीं गए, अरे सर आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नहीं बोल रहा हूँ मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ उसके बारे में बोल रहा हूँ, किसी को कॉल किया जा रहा है वो कॉल नहीं उठा रहा, सोचिए नेगेटिविटी हर चीज में आएगी, लेकिन 21 दिन तक घर में रहने से ही बचेंगे, हर चार दिन से शॉप बंद है, चार दिन से तो मान रहे नहीं हम लोग, मान रहे ना? तो क्यों नहीं मानेंगे, क्या आपके पीएम हम लोग के पीएम नहीं है, अरे ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप, ऐसा नहीं है, फॉलो किया जाएगा भैया, प्रधानमंत्री जी के बात को फॉलो किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी गरीब को फॉलो करें कम से कम, उन्हें भूखा ना मारे ना, उनको भी रोजमर्रा जरूरत की भी चीज जो है ना, ये सरकार को इस पे भी कुछ करना होगा ना सर, हम लोग प्रधानमंत्री जी के बात पे कहने के लिए हम लोग एकदम करेंगे, लेकिन जो गरीब मर रहे हैं उनके लिए भी तो प्रधानमंत्री सोचे कि 21 दिन वो कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, अब उससे ज्यादा तो भूख से लोग मर जाएंगे सर, उससे ज्यादा तो जनता बोल रही है, खुलकर बोली, बेबाक बोली, लेकिन जनता को समझना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे हैं तो आप लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए, क्योंकि कोरोना से लड़ना है तो तैयारी पूरी करनी होगी, सड़कों पर नहीं आना होगा, घरों में कैद रहना होगा, भीड़भाड़ इलाकों से बचना होगा, अपने आप को स्वच्छ रखना होगा, यही तरीके
आपको बचा सकते हैं। पटना से अपने सहयोगी तनवीर और कैमरामैन अंकित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।